हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन, जहाँ पे हम कोई भी कहानी लेते हैं और आपको उसके हर पहलू से रूबरू कराते हैं। और आज जो मैं कहानी या पहलू आपको सामने लेकर आ रही हूँ, उससे पहले आई विल टेल यू अ लिटिल इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड द स्टोरी इज अबाउट स्टीव जॉब्स। एप्पल का फोन शायद आपने कई बार देखा होगा या इस्तेमाल किया होगा। एट टाइम जब सब कीपैड यूज कर रहे थे, स्टीव जॉब यूज टू लुक एट हिज फोन, और उनको कीपैड से उसको उस तरीके के फॉर्म में लाना था कि टच करने से काम करने लगे। एंड ही कन्वर्टेड हिज विजन इनटू रियलिटी, बट ही डिडंट स्टॉप देयर। वो अपने स्मार्टफोन को इतना स्मार्ट बनाना चाहते थे कि लेटर ऑन ही वांटेड कि वो जो देखें वो विजुअलाइज फॉर्म में ऊपर आ जाए। अनफॉर्चुनेटली बिफोर ही कुड गिव अस दैट गिफ्ट टू अस, ही पास्ड अवे। बट इवन वी हैव दैट काइंड ऑफ ड्रीम। हम भी विजुलाइज करते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और क्लिक करते ही गवर्नमेंट इज एबल टू परफॉर्म व्हाट वी वांट टू। अरे इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, पानी नहीं आ रहा है, पानी दे दो। इस तरीके की मोबिलिटी होती है कि घर से निकलते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता और सीमलेस, ट्रैफिक ही नहीं होता, बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती। इस ड्रीम को स्मार्ट सिटी कहते हैं और इन स्मार्ट सिटी के बारे में ही वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। But the question is, why are we talking about? Because जब भी हम किसी कहानी को लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो स्टोरीज या न्यूज की फॉर्म में होता है। एंड द रीजन हेयर इज द इंदौर एंड सूरत हैज वॉन द स्मार्ट सिटी अवार्ड। इंडिया में भी स्मार्ट सिटी बनने लगी है, जिसमें से इंदौर और सूरत ने इस अवार्ड को जीता है। तो सबसे पहले बिफोर वी एनालाइज दिस न्यूज, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्मार्ट सिटी बेसिकली होती क्या है। Because if we have that, तो हम उसके पैरामीटर्स पे रख के उनको जज कर सकते हैं, right? So let's move ahead and understand what are smart cities. Now, smart cities as a scheme was launched by the government of India in 2015, जिसका aim था जो वहां के सारे citizen हैं, उनको decent quality of life provide की जा सके। मतलब जो मैंने बोला ना, वो सब आपके पास हो, sanitation हो, water हो, smart governance हो, with core infrastructure। और इन सब का solution क्या था? Smart solution for every problem that you're experiencing, right? Whatever the challenge you're experiencing, उन सब के लिए हम smart solution लाना चाहते थे। Now let's just move ahead। Now government thought कि जो government की जो विचार है या सोच है उसको fulfill करने से पहले smart city को और detail में समझ लेते हैं। So smart city is providing everything smart. Smart environment हो, sustainable development हो, smart mobility हो। आप घर से बाहर निकले और आपको destination तक जाने के लिए बहुत आसान रास्ता मिल जाए, traffic ना हो। Smart economy हो, कि आपने सोचा आपको startup establish करना है तो ज्यादा तकलीफें ना हो, सरकार खुद आपको proposal देगी, finance देगी, हर चीज देगी। That is smart economy। Smart governance हो, आपने कुछ चाहा और government ने साकार किया, इसको स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। स्मार्ट पीपल हो, सिर्फ गवर्नमेंट आपके लिए नहीं लगी होती, आपको लगता है सरकार हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही, तो एक जागरूक नागरिक बन के आप जाके कंप्लेन कर देते हैं प्लेटफॉर्म पे। दैट इज बेसिकली बीइंग अ स्मार्ट सिटीजन। एंड स्मार्ट लिविंग, ऑल ऑफ दिस आप इससे स्मार्ट लिविंग लाना चाहते हो। एंड द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है, इसे किसकी नींव पे खड़ा है? दैट इज इंटरनेट ऑफ डेटा, पीपल, थिंग्स एंड सर्विसेस। दिस इज कनेक्टेड बाय इंटरनेट। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस वी वांट टू अटेन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। हमारा सपना आईसीटी साकार करेगा, जहां पे सारे फंक्शंस इंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर आपके घर में पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो आपको अलग अलग विभाग पे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये काम कौन करेगा? सरकार करेगी। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल functions and utilizing the scarce resources। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास रिसोर्स कम होते हैं और हमारे सपने बड़े होते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। ये स्मार्ट सिटी करती है। एंड इट्स फोकस इज नॉट जस्ट ग्रोथ बट डेवलपमेंट। कि ऐसा ना हो डेवलपमेंट मतलब आपने ग्रोथ कर ली बट इनइक्वालिटी हो गई, एनवायरमेंट नहीं बचा। एग्जाम्पल दिल्ली का ही है, इतना कंट्रीब्यूट करती जीडीपी में, पर यहां रहना मुश्किल हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट इसे गैस चैंबर बोल देता है। एंड स्मार्ट सिटी इज नॉट जस्ट सिटी जो इकोनॉमी पे ध्यान दे, नहीं, वो हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान दे। आप चाहते हैं आपका जो घर हो आलीशान तो हो, पर सामने एक पार्क भी हो,
आप अपने घर को भी स्मार्ट चाहते हैं, एंड दैट इज द फोकस ऑफ स्मार्ट सिटी। विद दिस, तो इसमें सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग जिसको कनेक्ट करेगी आईसीटी कनेक्टिविटी एज आई टॉक्ड अर्लियर। नाउ दिस स्ट्रैटेजी इसके लिए करना कैसे है, इवन दैट इज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू हम इसके लिए आईसीटी यूज करेंगे और तीन मॉडल होंगे हमारे, रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट एंड ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब अब जो नया बना रहे हैं उसको इसी के ऊपर बनाएंगे, मतलब आईसीटी होना चाहिए, गवर्नेंस स्मार्ट होनी चाहिए कुछ नया जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रीडेवलपमेंट क्या है, आप मे भी पुराने ढांचे को हटा के नया ढांचा बनाया जाए। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट लेकर आना चाहती है, नया पार्लियामेंट वो बनाना चाहती है, मे नॉट बी अ गुड एग्जांपल, दो काफी ज्यादा कंटेस्टेड है कि आप हेरिटेज को खत्म कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज रेट्रोफिटिंग कि आप उसको हटाओ मत, उसी में चेंजेस लेकर आ जाओ। एग्जांपल, कितनी सारी ऑफिसेस होती हैं जो डिसेबल फ्रेंडली नहीं होती। अब ऑफिस को तो नहीं हटाना बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, लिफ्ट बनाना, उनके आने जाने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। सिर्फ इन सॉल्यूशन से, इस तरह की रेट्रोफिटिंग से हम बेसिकली एक सिटी को स्मार्ट सिटी बना लेते हैं। Now let's just move ahead, and that is next part ki news mein kya tha, why smart city, what was it explaining smart city and what was news about? News was about ki pehla hissa main aapko bata hi chuki hu ki Indore and Surat has won the award joint, uske baad states mein आपका यूपी है, एमपी है, तमिलनाडु है, आई एम नो इट्स सरप्राइजिंग बट उत्तर प्रदेश इज अ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्टेट, और यूटीज में आपके चंडीगढ़ इज द विनर। स्मार्ट सिटीज लीडर अवार्ड में आपको बेसिकली अहमदाबाद को लीडरशिप का अवार्ड मिला है और वाराणसी और रांची उसके बाद आते हैं। इस बार के जो अवार्ड दिए गए हैं उसकी थीम भी बहुत डाइवर्स रखी गई है, जिसमें गवर्नेंस के बारे में, कल्चर, अर्बन गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। और पहली बार स्मार्ट सिटी में सिर्फ सिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, स्टेट्स को अवार्ड मिले हैं, राइट? लाइक आई टॉक्ड अर्लियर, आपके यूपी एमपी वगैरह कैसे आए हैं, तो सिर्फ स्टेट पे ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ सिटी पे नहीं, ओवरऑल स्टेट की परफॉर्मेंस को देखा गया है इसमें। एंड देन इनोवेटिव आइडियाज अवार्ड भी मिले हैं, जैसे आपके इंदौर को मिला है। तो स्मार्ट सॉल्यूशन, इनोवेशन झलक रहा है इसमें कि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड द टॉप 4 परफॉर्मिंग जो आपकी सिटीज हो जाती हैं, ऑफ कोर्स सूरत और इंदौर तो हो ही गए, उसके बाद आपका अहमदाबाद है और पुणे है। सो दिस इज अबाउट न्यूज, न्यूज इज टॉकिंग अबाउट कि इन सबको ना स्मार्ट गवर्नेंस का आइडिया दे हैव अडॉप्टेड एंड दे आर मेकिंग चेंजेस, एंड दैट्स व्हाई दिस न्यू इंडेक्स इज रिकॉग्नाइजिंग द चेंज। News also talk about कि इस बार के जो अवार्ड हैं, इट इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग जब आपके ऑलमोस्ट 6 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम स्मार्ट सिटी मिशन को, उसको 6 साल हो चुके हैं, साथ में अमृत प्रोग्राम, दैट इज मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ द सिटी एरिया, कि वहां पे हम अच्छा वाटर, सैनिटेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, ये अमृत का एम है। और साथ में आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमने कहा ना स्मार्ट सिटी की पहचान होती है स्मार्ट होम, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे घर का सपना देखते हैं जहां से आप आसानी से हर चीज को एक्सेस कर सके और जहां पे आसपास पब्लिक पार्क भी हो और हर तरीके की फैसिलिटीज आपको मिल रही हो। प्रधानमंत्री आवास योजना उस सपने को साकार करने की बात करती है। नाउ द नेक्स्ट इज, हमने ये न्यूज क्यों लेकर आते हैं, हमारा मुद्दा ये होता है कि हमको कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। Of course, all of us want, जो स्टीव जॉब ने सपने देखे थे, इस तरीके के सपने हम सब देखते हैं। हम सब चाहते कि हम भी स्मार्ट सिटी में रह रहे हों, हमारी गवर्नेंस स्मार्ट हो। तो फिर उसके रास्ते में रुकावट क्या है, ऐसा क्या है जो स्मार्ट सिटी बनने नहीं देता, जिसके लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज द एंटायर स्कीम इटसेल्फ, कि स्कीम में ही कुछ फॉल्ट है, जैसे स्कीम साइलोस बना रही है इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग। अभी आपने देखा स्मार्ट सिटी में मैंने क्या बोला, आप पानी के लिए कंप्लेन करें तो आप नहीं चाहते, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है तो आप कंप्लेन करें,
सरकार को खुद समझना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से या किसी और विभाग से अगर जुड़ना है तो ये काम सरकार करे, हम नहीं। बट वॉट इज हैपनिंग, यहाँ पे और साइलोज बन रहे हैं, बिकॉज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दी गई है जो कि लोकल गवर्नमेंट के अधिकार उससे छीन लेती है और खुद ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। स्मार्ट सिटी में हम बात करें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और यहां ही उनकी पावर को कम कर देती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज पीपल इलेक्टेड एंड दैट्स व्हाई अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है एंड दिस एंटायर आइडिया ऑफ एसपीपी गोज अगेंस्ट दैट। तो ये साइलोस वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि डेवलपमेंट भी आइलैंड के फॉर्म में होगा, बिकॉज जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं जो 500 की हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के टोटल क्षेत्रफल के सिर्फ 30% एरिया को कवर करती हैं। सो दिस इज लाइक सिर्फ 3% एरिया डेवलपमेंट हो रहा है जहां पे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज नॉट क्रिएटिंग स्मार्ट इंडिया, इट इज क्रिएटिंग स्मार्ट साइलोस। और प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती, चैलेंजेस आल्सो वॉकिंग द टॉक। बातें तो अलग, अगर इंडिया को पॉलिसी के लिए अवार्ड मिलने लगा ना तो शायद हमें नोबेल प्राइज मिल जाए। द प्रॉब्लम लाइज इन इंप्लीमेंटेशन एंड द इंप्लीमेंटेशन इज लैकिंग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन द ह्यूमन रिसोर्स बट ऑल्सो लैक ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट एंड लैक ऑफ डेटा एज वेल। Because entire idea of smart city is based on internet, is based on data guided policy making, but government के पास आधार के सिवा छोड़ के बाकी data पे इतना focus नहीं है। इनफैक्ट आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना हो तो मैं उबर की बात कर सकती हूँ। उबर इज प्रोवाइडिंग यू द स्मार्ट मोबिलिटी और ये किस पे काम करती है, आपको ट्रैफिक कम करती है। उसके लिए क्या करती है, गूगल से डेटा इकट्ठा करती है और आपको इसको पता होता है कि ये वाला रास्ता आप लेंगे तो ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, स्पेशली दिन के इस घंटे पे, तो आपको दूसरा रास्ता देती है और आप वहां से निकल के चले जाते हो। दैट इज एग्जांपल ऑफ उबर बीइंग स्मार्ट, क्यों, इसने डेटा को इस्तेमाल किया। अब इसी एग्जाम्पल को आप पब्लिक अगर उस पर डाल दो तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पता हो कि बस कितने बजे आने वाली, कितने बजे छूटेगी, तो आप पहले से ही प्लान कर सकते हो। तो दैट इज लैकिंग, डेटा नहीं है एंड आल्सो ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम नहीं करा, टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं। जैसे मेट्रो इज एफिशिएंट इन दिल्ली एंड इज एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन, बट सच सॉल्यूशन आर नॉट फाउंड इन अदर सिटीज एंड दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। तो एंड दिस इज Our session is about, because let us explain, सभी aspect को cover करता है, तो हम challenges पे कभी रुकने वाले नहीं है, we are going to move forward to the suggestion as well, and in suggestion, we are going to cover each and every aspect, including the governance, सबसे पहले वही जाते हैं, because World Bank once said, the lost decade in Africa was due to lack of governance, governance का इतना बड़ा role होता है। जहां की सरकार अच्छी होती है वहां के नागरिक भी सुखी रहते हैं, और यहां पे यही है, सबसे पहले वी नीड लीडरशिप एट ऑल टीयर्स ऑफ द गवर्नेंस। ऑल्सो आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी एम्पावर्ड, उनको बहुत एम्पावर करने की जरूरत है, उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी विजिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, विच वॉज ऑल्सो टॉक्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने सेम तरीके की बातें बोली थी। इसके बाद इसका एग्जांपल आपका लंदन का मेयर सिस्टम भी है, उनकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है एंड पीपल ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन आती है। सो स्मार्ट लीडरशिप एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन एट ऑल द लेवल्स, फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जिसका एग्जाम्पल आपके बैंगलोर और कोस्टारिका है, टू द एक्सटेंट कोस्टा रिका ने जब अपनी सिविल सोसाइटी की हेल्प ली ना, उनकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑलमोस्ट 40% कम हो गई थी। इतना ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिलता है सिटीजन पार्टिसिपेशन से। बैंगलोर में सिटीजन बोर्ड आते हैं, सिटीजन बजट आते हैं विद द सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन स्कोर कार्ड आते हैं, दे रिलीज द स्कोर कार्ड की गवर्नमेंट ने कितना परफॉर्म किया है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स वी कैन यूज।
Next is focusing the environmental aspect. कि it should not only be about growth, it is about development. जैसे example दिल्ली का था, सांस नहीं ली जाती है, growth बहुत अच्छी है पर development नहीं है. हम ये नहीं चाहते, हम अच्छा development चाहते. जैसे मुंबई है, मुंबई में मेट्रो बनाने के लिए, इंफ्रा रोड बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे. सो बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि जितना लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रिलाय करते हैं उतना ही धुआं, उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होता है. और हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पे सभी को अच्छी सांस लेने का अधिकार हो, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाय करना बहुत जरूरी है. तो दिल्ली मेट्रो इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसको पूरी कंट्री में रेप्लिकेट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज हमने गवर्नेंस एस्पेक्ट देखा, फिर हमने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट देखा, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द टेक्निकल एस्पेक्ट. Because as I said, the entire basis is based on ki na infrastructure ho, ICT ko use kiya jaye. To uske liye kam se kam infrastructure banao and evidence based policy making lao. Ki data ko lo, data ke hisab se policy banao. Jiska bahut acha example aapka Chicago ka hai. Chicago mein pedestrian kitna use ho raha hai, खड़ा हुआ पानी कितना है, सैनिटेशन फैसिलिटीज कितनी है, इस सब का डेटा सरकार से लेके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है. तो इससे सिटीजन कंप्लेन कर सकता है और सरकार को अवेयरनेस होती है कि कितना इफेक्ट उसकी पॉलिसी का हो रहा है. और हमें इस तरीके की पॉलिसीज की जरूरत है भी. सो दैट इज अनदर सजेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंस. ये सब बनाने के लिए, इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसा चाहिए. और लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमीज की हालत हुई है ना, पैसा एक और बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है. तो कहां से आएगा? सरकार के पास क्या है इतना पैसा, जब वो भी फिजिकल डेफिसिट देखने वाला है? नाउ इन सच अ सीन योर आंसर कैन बी सिंपली प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के पास भी तो पैसा है एंड इट इज लुकिंग फॉर प्रॉफिट. इट इज रेडली, इट कैन रेडली बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यू अगर आप उनको पार्टिसिपेट करो, प्रॉफिट में हिस्सा दो. एंड फिर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से एफिशिएंसी आएगी, कॉम्पिटिशन आएगा, बेटर सर्विसेज आएंगे. सो फाइनेंस के लिए कहीं नहीं, अपने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दीजिए. ऑल्सो टू बिल्ड ऑल दैट आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी. सो लैंड एक्विजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. उसके लिए आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल लाइक अमरावती पे ध्यान दे सकते हो. वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पे लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं. सरकार जमीन लेती है या खरीदती है, उनका बैंक बनाती है. और जब कोई प्राइवेट सेक्टर कोई प्रोजेक्ट लाना चाहता है तो वो उसमें से सप्लाई कर सकती है. इनफैक्ट लैंड पूलिंग इज वेरी गुड एग्जाम्पल. लैंड पूलिंग इज जब मेरी जमीन सरकार लेगी, उसके दाम बढ़ेंगे, मुझे कुछ जमीन मेरी वापस कर दी जाएगी और प्रॉफिट में भी मेरा हिस्सा होगा. सो आई विल बी विलिंग to participate in the process and to give you my property. So, इस तरीके के smart solution ला सकते हो to build the idea of smart cities. And if the entire video was informative to you, then like us, subscribe us, connect to us at various channels like Facebook, Instagram, etc. हम वहाँ पे present हैं. Also, since it is lockdown, please stay at home जब तक possible हो. Stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQBIS.